होने को बहुत कुछ है। आज स्थिति हमारी इतनी दयनीय और इतनी गलत हो गई है कि आप देखेंगे कि ना होते हुए भी हमारे पास पीछे झाड़ू की जगह कांटे लगे हुए हैं और इतने बुरे लगे हुए हैं। जैसा कि मैं एक बार उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर फसल अच्छी नहीं हो सकती और गड्ढे वाली सड़क पर अच्छी तरह से स्मूथ रूप से चला नहीं जा सकता। इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ अर्थव्यवस्था जब ऊंची नीची रहेगी, जात पात रहेगी, तो यहाँ विकास कैसे संभव है? सिर्फ झूठी विकास की बात कर सकते हैं। और आज स्थिति इतनी बुरी है कि हमारा भीमा कोरे गाँव का जो हमारा सेलिब्रेशन है 200 साल से चला जा रहा है, बिल्कुल चला आ रहा है, कोई उसमें वो नहीं है। लेकिन इसी बार क्यों हमारे साथ ऐसा चोट की गई, हमारे भाइयों के साथ? ये इंडिया गेट यहाँ बिल्कुल नज़दीक में है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। आप यहाँ जाकर देखिए किन शहीदों के निशान वो नाम छपे हुए हैं। अंग्रेजों ने वो गुदवाए गए थे जो उनकी तरफ से जो इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। यहाँ पर सारे देश का नेता आके सलाम ठोकता है, क्यों? वो भी तो अंग्रेजों के साथी थे, वो सैनिक थे। तो क्या वो शौर्य दिवस हमारा नहीं था? हमारा शौर्य दिवस हम मनाएं तो उनके पेट में मरोड़ चालू हो जाती है। ये उनके मानसिकता बताती है और उनकी जो मानसिकता है ये निश्चित रूप से प्रदर्शित करती है कि हमारे पास झाड़ू पीछे दिख नहीं रहा है, हांडी दिख नहीं रही है। लेकिन हमारे बच्चे अगर हमारे बाबा साहब की कॉलर ट्यून लगा लें तो उनके ऊपर जानलेवा हमला करके उनको मार दिया जाता है। आज इतनी बुरी दयनीय स्थिति है कि जय भीम बोल दो आप तो इनके पतलून ढीली होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जय भीम सिर्फ नाम ही काफी है। इसका जो जोश और इसका जो उबाल है वो अलग चीज है। बाकी आज का जो ये हमारा आंदोलन है, जो हमारा विरोध प्रदर्शन जी, अभी आपने बताया कि इस देश का दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है या यहाँ के नेताओं का दुर्भाग्य है? नहीं नहीं नहीं, मैं ये कहूँगा देश का दुर्भाग्य है। नेता तो मलाई चाट रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी जो जनता है वो अज्ञानता में है। आज अगर मैं ये कहूँ कि हमारे बहुजन समाज के लोग ज़्यादातर उन नेताओं को चुनते हैं जो आपके संविधान के खिलाफ हैं, जो आपके आरक्षण के खिलाफ हैं, उनको चुन रहे हैं। ये दुर्भाग्य इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो अभी अज्ञानी हैं। वो सिर्फ किसी समाज के रूप में आके, किसी दोस्त के रूप में आके या किसी पूंजीवादी के रूप में उसका समर्थन कर जाते हैं। और ये मीडिया भी जो है, हमारे मनुवादी लोगों की मीडिया है, आज हमारी बहुजन मीडिया जो SM न्यूज़ है वो हमारी हर बात को आगे तक पहुंचाता है, मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन जो दूसरी मीडिया है वो बहुजन को मानती नहीं है, समझती नहीं है। आज आपने देखा होगा कि बड़े बड़े चैनलों पर लिखा था कि हिंदू वर्सेज दलित, तो इसका मतलब दलित हिंदू नहीं है। ये पूरा मीडिया चिल्ला चिल्ला के दिखा रहा है, लिख के दे रहा है। हमारा दलित भाई, हमारा बहुजन भाई कब समझेगा कि हम हिंदू हैं ही नहीं, हम कभी हिंदू थे ही नहीं? बाबा साहब ने भी ये बात कही है। अगर मैं आपको पुराने लेके जाऊं कि भंडारी जी, सभी लोग ये कहते हैं एक हो जाओ जी, लेकिन ये छोटे छोटे संगठन है या गिने चुने नेता है, 132 सांसद कह दूं, 131 सांसद कह दूं या 435 MLA कह दूं, ये लोग एक नहीं और पूरे समाज को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, नेता कभी भी एक करने की कोशिश नहीं करता है। जो जितने नेता आपने MP MLA के बोला है, अगर वो एक करने की कोशिश करें वास्तविक रूप से तो उनकी सीटें हिल जाएं, फिर वास्तविक अच्छा नेता ही सामने आए। वो जान करके चाहते हैं कि आप और हमारे अलग अलग रहें, हम बहुजन अलग अलग जातियों में बटे रहें। कारण सिर्फ एक ही है कि वो जब तक हम अलग रहेंगे तब तक उनकी सत्ता रहेगी, चाहे BJP की मान लीजिए, चाहे कांग्रेस की मान लीजिए, चाहे दूसरी पार्टियों की मान लीजिए, क्योंकि उनका एक मोटिव है कि फूट डालो राज करो। ये ब्राह्मणों की नीति थी और ब्राह्मणवाद इसी पर टिका हुआ है कि जब तक फूट डलेगी रही हमारे बहुजनों में इनका राज रहेगा। आप ये देखिए कि 3.5% लोग 70-80% जगह पर कब्जा करके बैठे हैं। भंडारी, आगे योजना क्या रहेगी आपको ऐसे धरने प्रदर्शन को लेकर? आगे योजना ये इस तरह का विरोध प्रदर्शन निश्चित रूप से रहेगा और सभी लोगों को अलग अलग, आज आप सिर्फ यहाँ खड़े हैं, मेरे जो संपर्क सूत्रों से पता चला है कि आज लगभग 200 जगह विरोध प्रदर्शन है, 200 जगह। आप अलग अलग जगह जाके देखेंगे। बस हमें इंतजार है कि हमारे पास वो संसाधन हो, हमारे बच्चे बाहर निकल के आएं, और जिस दिन ये हुजूम 200 वाला दो जगह बटेगा, आप ये देखेंगे कि लाखों लोग एक जगह खड़े हो जाएंगे। मैं ताज़ा उदाहरण दे रहा हूँ अलवर का, कि अलवर में एक चौराहे से बाबा साहब की मूर्ति हटा दी गई, 15,000-20,000 लोग एक दिन में, एक तारीख के दिन जब रोड पर आए तो प्रशासन को झुकना पड़ा, एक मूर्ति हटाई थी, 2 बीघा जमीन बाबा साहब के नाम से देनी पड़ी। तो मैं इस चैनल के माध्यम से यहाँ कहूँगा
मैं कहूंगा कि आप लोग मेरे बहुजन भाइयों, आज आप एक जगह हो जाएंगे उसी दिन आपका कल्याण है, क्योंकि ये आप उंगलियां देख रहे हैं, ये उंगलियां ये उंगलियां जो देख रहे हैं, ये उंगलियां सब अलग अलग हैं, छोटी है, बड़ी है, छोटी है, मोटी है, सब कुछ तरीके के है, लेकिन जब यहाँ पेट की जरूरत पड़ती है तो जब ये निवाला खाती है सब एक जगह हो जाती है और एक साइज में आ जाती हैं। इसी तरीके से जरूरत है, और जब किसी को मारना होता है तो ये बन जाता है, और जब ये बनता है तो निश्चित रूप से सामने वाले के पतलून ढीली होगी और निश्चित रूप से वो हार की तरफ है, और बौखलाया हुआ है पूरा ब्राह्मणवाद। तभी तो हमारे ऊपर हमले बढ़ रहे हैं, तभी हमारे बच्चों को उनकी बातों को दबाया जा रहा है।